अगर आप इस वक्त इंडिया से बाहर जाके जॉब करने में इंटरेस्टेड हो, जॉब ढूंढ रहे हो पर समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ढूंढे, कैसे जॉब को हासिल किया जाए, क्या सही रास्ता है, कैसे ये पॉसिबल हो सकता है और पॉसिबल हो भी सकता है या नहीं, देन यू आर ऑन द राइट वीडियो। मैंने खुद अराउंड द ग्लोब इतनी सारी जॉब्स जो है उसके इंटरव्यूज क्रैक किए, इंटरव्यू तक मैं पहुंची हूँ, तो वो कैसे हो पाया अपना पूरा एक्सपीरियंस मैं इस वीडियो में डाल रही हूँ, सो दैट यू नो जो यंगस्टर्स है उनकी हेल्प हो सके। आप लोग जॉब ढूंढ रहे हो, आप लोग स्किल्ड हो, लेकिन आपको रास्ता नहीं पता कि कैसे। सो वेलकम गाइज टू लाइफ विद मयूरा, और आज का टॉपिक बहुत ही हॉट टॉपिक है, विच इज हाउ टू गेट जॉब इन अब्रॉड सिटिंग एट योर होम। आपका कोई चाचा, ताया, मामा कोई ना कोई अब्रॉड कंट्रीज में सेटल्ड होंगे ही, बहुत अच्छे से वेल सेटल्ड होंगे, लेकिन आपकी कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं या करना नहीं चाहते, क्योंकि मोस्टली ये टेंडेंसी लोगों में आ ही जाती है, वेन दे आर एट अ गुड पोजिशन दे डोंट वॉन्ट टू हेल्प अदर्स। बट आई एम नॉट वन ऑफ दोज। मैं चाहती हूँ कि जितने जो यंगस्टर्स है, जो यू नो हमारे स्पार्कलिंग स्टार्स है, जो कुछ करना चाहते हैं, जो स्किल्ड है, कोई ना कोई हुनर आपके अंदर है या अच्छी डिग्री है, हो सकता है किसी के पास डिग्री ना हो लेकिन वो एक स्किल्ड वर्कर में उसकी काउंट होती हो, जो शायद इंडिया में उस प्रोफेशन को या तो इतना अच्छा समझा नहीं जाता या फिर इतनी अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल पा रही है, बट यू वॉन्ट दैट यू गो अब्रॉड, यू अर्न गुड मनी और आप यू नो अपने घर वालों को सपोर्ट कर सके या अपने खुद के सपने पूरे कर सके। तो चलो अब हम बिना किसी डीले के अपने वीडियो को बढ़ाते हैं आगे, पर उससे पहले जल्दी जल्दी आप करिए मुझे सब्सक्राइब और बेल का आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। जब आप बेल पे प्रेस करोगे तो वहां ऑप्शंस आएंगे तीन, जिसमें से ऑल पे आपको क्लिक करना है ताकि मेरी सारी ही वीडियो आपको आप तक पहुंचे। ओके सो फर्स्ट पॉइंट, कि जिन लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या ये एक्चुअली में पॉसिबल है कि घर बैठे बैठे जॉब मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, तो मैं आपके सामने एक जीता जागता एग्जाम्पल हूँ कि मैंने घर बैठे बैठे अपने टेबल और चेयर तोड़ते हुए उस पर बैठे बैठे मैंने इतने सारे जॉब्स हासिल किए हैं अराउंड द ग्लोब। किसी एक कंट्री की बात नहीं है, आप बैठे बैठे, आई एम टेलिंग यू, मोबाइल और लैपटॉप जो है वो आजकल इतने पावरफुल है कि आप अपने घर के कंफर्ट में बैठे बैठे ऑनलाइन इंटरव्यू देके सारी फैसिलिटीज के साथ अब्रॉड जा सकते हो। डजंट मैटर आपका क्या प्रोफेशन है, आप क्या करते हो, इट डजंट मैटर। द मेन थिंग इज कि आपका जो सीवी है वो सही जगह पे, आपका रेज्यूमे सही जगह पे पहुंचे, और वो कैसे पहुंचेगा ये मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगी। तो जब आप अब्रॉड के लिए ट्राई करते हो, जब आप फर्स्ट टाइमर होते हो, आप बहुत यंग हो और आप फर्स्ट टाइम बाहर जाना चाहते हो, तो आपको हमेशा ऐसी कंट्रीज में जाने के लिए ट्राई करना चाहिए या आपकी टारगेट कंट्री वो होनी चाहिए जो इंडिया के बहुत ही पास है, जहाँ की वीजा प्रोसीजर्स जो है वो इंडियन नेशनल्स के लिए इजी है, प्लस इकोनॉमी इंडिया से उसकी बेटर है, सो दैट अगर आप वहाँ बहुत बड़ा अमाउंट नहीं कमा रहे हो, थोड़ा भी कमा रहे हो, तो वो इंडियन करेंसी में एक ज्यादा अमाउंट हो जाता है, तो आप ज्यादा अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाते हैं, ज्यादा सेविंग्स कर पाते हैं। एंड गाइज, बीइंग इन इंडिया वी आर वेरी लकी, क्योंकि ज्योग्राफिकली जो है हमारी लोकेशन गल्फ कंट्रीज से बहुत ज्यादा पास है, और गल्फ कंट्री की वीजा प्रोसीजर इंडियन नेशनल्स के लिए बहुत ज्यादा इजी है। इनफैक्ट आई वुड से कि गल्फ पूरा भरा पड़ा है इंडियंस से, और वहां पे जॉब मिलना भी कंपैरेटिवली इजी है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि गल्फ कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज आती है। गल्फ कंट्रीज में आती है दुबई, सऊदी, ओमान, बहरीन, कतार, ये सारी कंट्रीज जो है ये गल्फ कंट्रीज में आती है, और इनकी इकोनॉमी गाइज हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और जिन लोगों को, जो ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है पर जॉब सिक्योर, जॉब लेना चाहते हैं बाहर, उनको बता दूं इकोनॉमी का मतलब उनका जो पैसा है, उनका जो रुपया है, वो हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यानी कि अगर उनका जो एक रुपये है वहां, अगर आप एक रुपये कमा रहे हो और आप वो एक रुपये इंडिया में भेजते हो, तो वो हो जाएगा डायरेक्टली 20 रुपीज। डिपेंडिंग आप कौन सी कंट्री में हो, हर कंट्री की जो करेंसी है वो अलग है। जैसे कुवैत की करेंसी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अगर मैं दुबई की करेंसी की बात करूं तो वो है दिरहम, जो अप्रोक्सीमेटली 19 रुपए इंडिया के हिसाब से लगभग बनते हैं। रेट्स हमेशा फ्लक्चुएट होते रहते हैं, जो एक बहुत कॉमन चीज मुझे सुनने में मिली है और मैंने पर्सनली देखी भी है एयरपोर्ट्स में और गल्फ कंट्री में। मैंने ये चीज बहुत ज्यादा देखी है कि बहुत सारे लोग जो है वो एजेंट्स को पैसा दे देते हैं और एजेंट आपको कुछ सपने दिखाते हैं कि हम ऐसी जॉब करेंगे, हम आपकी सैलरी में से इतना परसेंट लेंगे, जॉब मिल जाएगी तो, एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला। इन झंझटों में कभी भी मत पड़ना। गल्फ कंट्री के अंदर घुसने के लिए आपको किसी एजेंट की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सही तरीकों की जरूरत है कि कैसे आप पहुंच सकते हो।
तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी किसी एजेंट के चक्कर में मत पड़ना, चाहे वो आपको कितने भी प्रोमिसेस कर दे, कितने भी सपने दिखा दे, वो झूठे सपनों में मत पड़ना आप, क्योंकि अब्रॉड कंट्री में जाओगे वहां पे कुछ फैसिलिटीज नहीं होगी, गलत तरीके से लेके गया कोई आपको, गलत वीजा पे अगर आपको कोई लेके जा रहा है तो, और वहां जाके अगर आपका पासपोर्ट ले लिया, बिकॉज यू डोंट नो कि एजेंट पे आप कितना बिलीव कर सकते हो, वो आपके लिए एक फॉरेन कंट्री है, तो इस चक्कर में आपको कभी भी नहीं फंसना है। फॉरेन कंट्री में अगर कोई चीज गलत होगी तो घर की बहुत याद आएगी और बहुत बुरा फंस जाओगे आप लोग, मोरल बिल्कुल ही डाउन हो जाएगा। एजेंट्स क्या होते हैं ना, एक तो पहले शुरू में ही आपसे एक मोटी रकम चार्ज करते हैं और उसके साथ उनकी और भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कई बार, जैसे कि आपकी जो भी सैलरी आएगी उससे 10% हम ले लेंगे फॉर स्टार्टिंग वन ईयर एंड सो, और आपको पता भी नहीं है वहां कैसा आपको काम करवाया जाएगा, क्योंकि यहाँ बोला कुछ जाता है और वहां पे होता कुछ और है। तो आपको एक चीज जो हमेशा याद रखनी है वो ये है कि जब भी गल्फ कंट्री आपको हायर करती है तो पहली चीज वो आपको रिलोकेशन अमाउंट देती है, वीजा के चार्जेस पूरे उनकी तरफ से पेड होते हैं, यहाँ से आपकी फ्लाइट्स वो बुक करते हैं, होटल भी वो आपके लिए बुक करके देते हैं, पूरा जो वहां पे एक रेसिडेंशियल परमिट जिसको RP भी कहते हैं उसकी जो प्रोसीजर होती है वो पूरी कंपनी के द्वारा करी जाती है, आपको खुद की जेब से एक रुपया भी खर्चा नहीं करना होता, इनफैक्ट आपको पैसा मिलता है। क्योंकि एक चीज आप हमेशा याद रखना कि आपको अगर ऐसे कभी जॉब मिल जाए और आपको लगे अरे कंपनी है मेरी फ्लाइट बुक नहीं कर रही है, ये नहीं हो रहा, चलो जाने दो वगैरह, नो यू डोंट हैव टू बी लाइक दैट, बिकॉज जितनी जरूरत आपको उस जॉब की है ना, आपकी कंपनी को उससे भी ज्यादा जरूरत आपकी है, बिकॉज इन कंट्रीज में वर्कर्स की हमेशा कमी होती है और ये हमेशा चाहते हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को हम यहाँ लेकर आए जो हमारे लिए काम करे। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप अपना एक अपडेटेड बढ़िया सा मजेदार सा रेज्यूमे CV जिसको कहते हैं वो बना के एकदम रेडी कर लो। अगर आपको बनाना आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है तो नथिंग टू वरी, आसपास के कोई भी आप इंटरनेट कैफे पे जाओगे ना, वहां जो बंदे बैठे होते हैं वो आपको बहुत ही कम पैसों में, इनफैक्ट 200-300 रुपए में एक अच्छा सा रेज्यूमे बना के दे देंगे, क्योंकि फॉर्मेट सारे ऑनलाइन होते हैं, सिर्फ उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन को डाल के वो लोग एडिट कर देते हैं। तो जो लोग बनाना जानते हैं वेरी गुड, जो नहीं जानते हैं घबराना नहीं है, जिसको अच्छे से कंप्यूटर चलाना आता है, आपके फ्रेंड्स आपकी फैमिली और वो लोग हेल्प नहीं कर रहे तो इंटरनेट कैफे पे जाओ, एक बढ़िया सा रेज्यूमे बनवा लो। दूसरी जो चीज ध्यान में रखने वाली होती है, जब भी हम इंटरनेशनली जाने के लिए रेज्यूमे बनाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रेज्यूमे बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी के पास भी वहां पे फालतू टाइम नहीं है कि आपका रेज्यूमे की एक एक लाइन पढ़ पढ़ के वो 3-4 पेज का रेज्यूमे आपका रीड करेगा, ये पॉसिबल नहीं है। प्रोफेशन चाहे कुछ भी हो, या आप नर्स हो, IT में हो, योगा टीचर हो, फिटनेस ट्रेनर हो, जो कुछ भी हो, जो भी आपका प्रोफेशन है, आपको क्या करना होगा ना, सबसे पहले बैठो एक दिन अपने लैपटॉप के ऊपर या मोबाइल के ऊपर और लिस्ट बना लो उन कंपनीज की जहां पे आपको जॉब मिल सकता है, जो आपकी पोटेंशियल कंपनीज है। जैसे कि मैं अगर एक नर्स हूं तो मैं कैसे सर्च करूंगी, सबसे पहले मैं देखूंगी कि जिस एरिया में मुझे अपनी जॉब सिक्योर करनी है उस एरिया में कितने हॉस्पिटल्स हैं। उसके बाद में क्या करूंगी, उस हॉस्पिटल्स के वेबसाइट पे जाऊंगी और वैकेंसीज का उनका सेक्शन चेक करूंगी। हर वेबसाइट पे एक वैकेंसी या एम्प्लॉयमेंट करके एक सेक्शन होता है, आप वेबसाइट पे जाना शुरू करोगे ना आपको सारी चीजें दिखती चली जाएगी। तो आपको क्या करना है, उनके वैकेंसी एम्प्लॉयमेंट के सेक्शन में जाना है और चेक करना है कौन कौन सी वैकेंसीज वहां पे अवेलेबल है। अगर आपका लक अच्छा है तो शायद आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो वैकेंसी वहां पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होगी। तो क्या करना है आपको, सिंपली अच्छा अपडेटेड रेज्यूमे तो आप बना ही चुके होंगे जब तक आप वेबसाइट्स चेक करोगे, तो जाओ और उसमें नीचे HR की डिटेल्स होती है, डायरेक्टली अपना रेज्यूमे जो है पोस्ट कर दो। ओके, तो अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, एक पर्टिकुलर वेबसाइट्स होती है, लिस्ट होती है ऑफ वेबसाइट जिनका डायरेक्ट जो है कनेक्शन होता है कंपनीज के साथ। तो अगर आप इन वेबसाइट्स पे जाके रजिस्टर हो जाते हो, अपना अपडेटेड रेज्यूमे वहां पे एक बार पोस्ट कर देते हो, तो जो पोटेंशियल कंपनीज है जब भी उनके पास वैकेंसीज होती है वो डायरेक्ट इस वेबसाइट से जो है रेज्यूमे पिक कर लेती है। और मुझे इनफैक्ट जॉब्स जितनी भी मिली है वो मोस्टली इन्हीं वेबसाइट्स के थ्रू मिली है। तो इसमें कुछ वेबसाइट्स के नाम मैं आपको दे रही हूँ जिसपे आप अपना रेज्यूमे अपडेट करके पोस्ट कर दीजिए। तो उसमें फर्स्ट नंबर पे मैं आपको दे रही हूँ glassdoor.com, बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट है ये। इसका जो रेशियो है कि यहाँ से लोग कितने उठते हैं जॉब के लिए, वो रेशियो बहुत अच्छा है। तो इस वेबसाइट के ऊपर आप अपना अच्छा सा रेज्यूमे डाल दीजिए, अपडेट कर दीजिए। इस पर आपको लिस्ट भी मिल जाएगी वैकेंसीज की कि कौन सी कंट्री में कौन सी वैकेंसीज है, आप वहाँ चूज कर सकते हो कि आप कौन सी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो। मेरा सजेशन आपको ये होगा, इफ यू आर अ फर्स्ट टाइमर यू शुड ट्राई फॉर गल्फ कंट्रीज, क्योंकि यहाँ पे जाना कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान होगा। दूसरी वेबसाइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट, उसका नाम है monster.com।
gulfgirls.com, उसमें भी गल्फ के लिए एक अलग से सेक्शन होता है, तो उसमें आप जा सकते हो, उसमें आप अपने आप को रजिस्टर कर लो। ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और ये वेबसाइट्स में गाइस थोड़ा टाइम लगता है, यू विल हैव टू गिव सम टाइम, बट यू नो आपको पॉजिटिव रहना है क्योंकि इन्हीं वेबसाइट्स के थ्रू बहुत सारे लोगों को जॉब मिलती है और मुझे खुद को भी इन्हीं वेबसाइट्स के थ्रू जॉब मिली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वेबसाइट्स जो है आप नोट डाउन कर लो और ये वेबसाइट्स पे अपने अपडेटेड रेज्यूमे जो है वो फेंक दो और फिर शांति से बैठ जाओ 2-3 महीने। आई एम 100% श्योर कि अगर आपके जो प्रोफाइल है वो डिमांड में होगी, उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप पिक होगे ही हो। और जो तीसरी वेबसाइट है वो है indeed.com, इससे भी बहुत सारे लोग पिक हो जाते हैं। तो ये तीनों जो वेबसाइट्स है, ये तीनों वेबसाइट आप नोट डाउन कर लीजिए एक पेन एंड पेपर लेके। क्वेश्चन जो मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन से प्रोफेशन के लिए रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गल्फ एक ऐसी कंट्री है जिसके लिए जिसमें सारे ही प्रोफेशन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है। चाहे आप बहुत ही यू नो हाई क्वालिफाइड हो, आपके पास एक अच्छी डिग्री है, अच्छा एक्सपीरियंस है, उनके लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है और उन लोगों के लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है जिनके पास बहुत अच्छी डिग्री नहीं है। शायद आप एक इलेक्ट्रिशियन हो, एक प्लम्बर हो, क्लीनर हो, हाउसमेड हो, आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो है गल्फ में अवेलेबल है। तो गाइज आज के वीडियो को मैं यहाँ पे सम अप करती हूँ क्योंकि जो तरीके मैंने आपको बताए हैं ये तरीके बहुत ही इफेक्टिव है। और अगर आप चाहते हो कि आगे भी मैं ऐसे कुछ टॉपिक्स पे और डीप में वीडियो बनाऊँ, आपकी कुछ हेल्प हो सके मेरे नॉलेज से, तो मेरे लिए इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं होगी। और स्पेशली मेरा दिल जो है वो यंगस्टर्स के लिए धड़कता है कि गॉड आप लोगों को इतना ब्लेस करे कि आप लोग अच्छी जगह पे पहुंचो, अच्छी जॉब्स करो, यू नो अपने फैमिली को सपोर्ट कर सको और अपने पूरे सपने जो है उसको पूरे कर सको। एंड आई दिल से विश यू ऑल द बेस्ट कि जो तरीके मैंने आपको बताए हैं ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी हेल्प चाहिए, तो योर सिस्टर इज ऑलवेज देयर। मुझे आप कमेंट्स में फटाफट कमेंट डाल दो, मैं आपको रिप्लाई करूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। वीडियो अगर आपको जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा, जरा सा भी अच्छा लगा, तो जल्दी जल्दी मुझे करिए सब्सक्राइब।